हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं या कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक सबसे पहले कंप्यूटर का नाम, वो भी हिंदी में, और दूसरी बात कंप्यूटर का फुल फॉर्म, वो भी इंग्लिश में। कंप्यूटर आपको वर्ड लिखना आता होगा और जो आपको पता है, और शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो कंप्यूटर होता है उसमें जो एक एक वर्ड होता है, COMPUTER, उसका एक एक मीनिंग होता है, एक एक मतलब होता है। तो आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर का हिंदी में क्या कहते हैं और कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होती है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में ना छोड़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि हिंदी में क्या कहा जाता है कंप्यूटर को। तो गाइस, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक यंत्र कहा जाता है। आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक यंत्र कहा जाता है, जिसका मतलब होता है गणना करना यानी कैलकुलेटर करना। तो ये एक भाषा है, भाषा से ली गया ये वाला शब्द, ताकि लोग जल्दी ही जल्दी अपनी कैलकुलेशन कर सकें। शुरुआत में जब कंप्यूटर बनाए गए थे तो इसलिए ही बनाए गए थे जो अपनी कैलकुलेशन जल्दी ही जल्दी कर सकें। तो इसलिए ही कंप्यूटर को संगणक यंत्र कहा जाता है, उसको संगणक यंत्र बोला जाता है हिंदी में। तो गाइस, मैं आपको ये बताता हूँ कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है और कंप्यूटर का फुल फॉर्म में क्या कहा जाता है। तो आपको स्क्रीन पे वर्ड लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, आप पढ़ सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में, अपनी किताब में, इसे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो बताया था, मैं आपको पढ़ के बताया था। C4 होता है कॉमनली, O4 होता है ऑपरेटिंग, M मतलब होता है मशीन, P मतलब होता है पर्टिकुलर, U4 यूज्ड फॉर, T4 टेक्निकल, E4 एजुकेशनल, R4 रिसर्च। आप इसे पढ़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। और ध्यान है दोस्तों, आपको इस दोनों चीज़ों को याद कर लेना है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। आप कहीं भी एग्ज़ाम देंगे या कहीं भी इंटरव्यू देंगे तो सबसे पहले आपसे दो सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, दो नहीं तो कम से कम एक तो पूछा जाएगा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, या कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको इसे सिर्फ देखना ही नहीं, इसे पढ़ना ही नहीं, आपको इसे याद कर लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना है। एक जैसे रट्टा फिक्सेशन होता है, आपको इसे यूज़ कर लेना है, ऐसे कर लेना है ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें, आपको हमेशा के लिए याद रहे, कभी नहीं भूलना है आपको ये चीज़ें। अगर कंप्यूटर की पढ़ाई आप कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।